श्रुति लगाएगी अनुपमा पर घर तोड़ने का इल्जाम, साथ ही अनुज को छीनने का इल्जाम। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आएगा बड़ा ट्विस्ट। आप देखेंगे कि जैसे ही अनुज को इस बात का पता चला है कि श्रुति ने अनुपमा का सारा बिजनेस बर्बाद किया है, इस बात पे अनुज बहुत गुस्सा हो जाएगा और वो श्रुति से सारे सवालों के जवाब मांगेगा। लेकिन श्रुति यहाँ पर अनुज को जवाब देने की बजाय अनुपमा पर ही भड़क जाएगी। अनुपमा की सारी बातें, यहाँ गलत बातें अनुज को बताने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुज एक बात नहीं सुनेगा श्रुति की। यहाँ पर अनुज गुस्से में श्रुति की पहनाई हुई अंगूठी, उनकी सगाई की अंगूठी वापस कर देगा और अपना रिश्ता तोड़ लेगा। ये बात श्रुति बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप देखेंगे वो पहुंच जाएगी अनुपमा के पास और अनुपमा के सामने ताली बजाते हुए कहेगी कि तुम तो बहुत खुश थी, तुम बहुत खुश हो कि तुमने जीत मिल गई। अनुपमा को समझ नहीं आता, श्रुति यहाँ अंगूठी दिखाती है कि अनुज ने कैसे रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि अनुपमा ने श्रुति के खिलाफ अनुज को भड़काया है, ऐसा श्रुति को लगता है। श्रुति यहाँ अनुपमा को घर तोड़ने वाली दूसरी बीवी का दर्जा देती है। यहाँ अनुपमा से कहती है कि जब तुम्हारा घर तोटा था, वनराज ने तुम्हें छोड़ा था, तो तुम्हें कैसा लगा था? आज बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। तुमने या काव्या को घर तोड़ने वाली लड़की कहा था, लेकिन आज तुम भी वही काम कर रही हो। इतनी सारी बातें, इतनी सारी तोहमत श्रुति अनुपमा पर लगाती है।